नमस्कार। 2022 में एक बार फिर से चार राज्यों पर उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए 12 अप्रैल को वोटिंग होने वाली है। तो अगर बात की जाए तो उपचुनाव के लिए चार राज्यों की ये जो सीटें हैं काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, और ऐसे में इन चार राज्यों पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, क्योंकि लोकसभा सीट भी इसमें शामिल है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो तारीखों के ऐलान के बाद काफी खलबली है, और तारीखों के ऐलान के बाद उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये हो गया है कि आखिर चार राज्यों की उपचुनाव की जो सीटें हैं वो क्या बीजेपी के पक्ष में जाएंगी या पर अन्य या पर कांग्रेस का कुछ नया फलान हो सकता है। इसको लेकर आपको चार राज्य के लिए महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ गया है। सबसे बड़ी सीट मानी जा रही है वेस्ट बंगाल की आसनसोल, यहाँ बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बात की जाए, जबकि शत्रुघ्न सिन्हा को यहाँ पर टीएमसी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो आसनसोल लोकसभा सीट की लड़ाई काफी दिलचस्प हो चुकी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो काफी हलचल है, और बिहार के बाबू यानी काफी बड़े दिग्गज अभिनेता भी रहे हैं। ऐसे में शत्रुघ्न सिन्हा को क्या यहाँ पर भाजपा की महिला उम्मीदवार अग्निमित्रा पाल क्या उनको टक्कर दे पाएंगे नहीं, इसके क्या कुछ आंकड़े रहे हैं। अगर बात की जाए तो लोकसभा की इस सीट पर जो चुनाव है वो बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद यहां पर किया जा रहा है, जो कि अब टीएमसी में है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी को एक बड़ा झटका रहा था, क्योंकि बीजेपी के दो बार से यहाँ पर सांसद रह चुके हैं बाबुल सुप्रियो, लेकिन अब वो टीएमसी में आ चुके हैं, और टीएमसी की तरफ से यहाँ पर शत्रुघ्न सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में रहा है, लेकिन जो कैंडिडेट यहाँ से जीते हैं बीजेपी के वो टीएमसी में आ चुके हैं, तो यहाँ की लड़ाई काफी बड़ी हो चुकी है। और अगर बात की जाए तो बाबुल सुप्रियो यहाँ पर काफी बड़े अंतर से जीतते रहे हैं, लेकिन वो टीएमसी के उम्मीदवार अब हो चुके हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि सीट पर प्रभावी का मुकाबला यहाँ पर हो सकता है, जो लोकसभा की सीट काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अन्य सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर अपने उम्मीदवार है आसनसोल से श्रीमती अग्नि पॉल को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल की जो यहाँ पर बलीगुनी सीट है इस पर श्रीमती केया घोष को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा है। इसके अलावा बिहार के लिए भी यहाँ पर बोचाइन सीट पर भी श्रीमती बेबी कुमारी को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा, जबकि महाराष्ट्र की कोल्हापुर सीट पर यहाँ पर सत्यजीत यहाँ पर शिवाजी राम को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतारा। तो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, कोल्हापुर उत्तर की ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ के क्या कुछ आंकड़े बनते हैं इसके भी आपको सभी समीकरण दिखाते हैं। बात करते हैं बिहार के लिए तो बहराइच सीट पर विधानसभा उपचुनाव होने वाला है। ऐसे में अगर बात की जाए तो मुकेश सहनी की पार्टी इस बार क्या कुछ आंकड़े रखती है, क्या कुछ यहाँ पर हलचल देखने को मिली है बिहार को लेकर, क्योंकि 12 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है, तो यहाँ का क्या चुनावी गणित रहा है। वीआईपी पार्टी ने 2020 बिहार चुनाव में यहाँ पर जीत हासिल की थी, और यहाँ पर 42% बूथ शेयर उनको मिला था। इसके बाद बिहार की एक सीट काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है, और यहाँ पर सर्द गर्मी शुरू हो चुकी है बिहार की, वो चाहा विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए। यहाँ पर बात की जाए तो मुकेश सहनी और यहाँ पर बीजेपी के क्या रणनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके भी आपको चुनावी आंकड़े दिखाते हैं। यहाँ पर बात की जाए तो 2020 में यहाँ पर बिहार के लिए यहाँ पर वीआईपी पार्टी ने यहाँ पर जीत हासिल की थी, उनको यहाँ पर बात की जाए तो 42% वोट शेयर मिला था, जबकि आरजेडी को यहाँ पर 36% वोट शेयर, और यहाँ पर अमर आजाद एलजेपी से यहाँ पर 4% वोट शेयर ही मिला। यानी बात की जाए तो 2015 में भी यहाँ से निर्दलीय उम्मीदवार बेबी कुमारी यहाँ पर जीती है, लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर बड़ा उलटफेर किया है। बीजेपी ने अब बेबी कुमारी निर्दलीय जो उम्मीदवार पुरानी थी 2015 की विजेता, उनको अपना उम्मीदवार यहाँ पर 2022 उपचुनाव के लिए सीट पर घोषित किया है। तो ऐसे में वीआईपी पार्टी और बीजेपी के बीच यहाँ पर मुकाबला हो सकता है। आरजेडी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है, तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ का पलड़ा किसका भारी होगा ये कहना काफी कठिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ की खैरागढ़ विधानसभा सीट उपचुनाव के लिए 16 तारीख को यहाँ पर जो है यहाँ पर मतगणना होगी, लेकिन 12 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। और सीट पर बात की जाए तो काफी हलचल तेज देखने को मिल रही है, और बीजेपी की तरफ से यहाँ पर चुनावी मैदान में जो उम्मीदवार उतारे गए हैं वो काफी बड़े यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी में यहाँ पर जो है बिल्कुल कांटे का मुकाबला हो सकता है। हालांकि इस सीट की अगर बात की जाए देवव्रत सिंह के निधन के चलते ये सीट खाली हुई है, और यहाँ पर बात की जाए जनता कांग्रेस यहाँ पर छत्तीसगढ़ जो पार्टी है उसने 2018 में यहाँ पर जो है जीत हासिल की थी, लेकिन उन निधन के चलते सीट खाली हुई है। ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी बनी थी, और ऐसे में अब कांग्रेस बीजेपी और यहाँ पर अन्य यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन एक और जो आंकड़ा है कि जो सरकार में होता है कहीं ना कहीं उपचुनाव का फायदा उसको मिलता है। ऐसे में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है, तो कांग्रेस को भी यहाँ पर कम नहीं आंका जा सकता है, 50-50 यहाँ पर भी मुकाबला हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए
तो कोल्हापुर सीट की बात करें तो कोल्हापुर सीट भी काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है, और ऐसे में बात की जाए तो महाराष्ट्र की ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। ये माना जा रहा है कि सीट के बाद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में हलचल देखने को मिल सकती है। तो क्या महाराष्ट्र में उलट फिर हो सकता है? सीट के चुनावी परिणाम काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं, और ऐसे में बात की जाए तो कांग्रेस की ये सीट खाली हुई है, लेकिन कांग्रेस शिवसेना और यहाँ पर बात की जाए तो एनसीपी यहाँ पर गठबंधन में है। अब कांग्रेस को ये चुनाव लड़ने के लिए सीट मिलती है तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल आमने सामने का मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए 2014 में यहाँ पर शिवसेना जीत हासिल की, 2019 में कांग्रेस ने, तो कांग्रेस और शिवसेना का यहाँ पर पलड़ा भारी हो सकता है जो आंकड़े है, लेकिन बीजेपी यहाँ पर कड़ी टक्कर यहाँ पर दे सकती है। अलावा बंगाल की बेलीगुने सीट पर भी चुनाव होने वाला है। तो लेकिन इस सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर टीएमसी दोनों ही बहुत यहाँ पर जीती है 2016, 2021 और अब उपचुनाव के लिए इस सीट पर चुनावी तारीखों का ऐलान है। ऐसे में बात की जाए तो टीएमसी एक तरफा इस सीट पर जीतती सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर निकल के सामने आ रहे हैं। दोस्तों चार राज्यों के लिए जो उपचुनाव है, उपचुनाव काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि बीजेपी हाल ही में चार राज्यों पर अपनी सरकार बना पाई है। ऐसे में चार राज्यों के जो उपचुनाव है, क्या बीजेपी उन राज्यों पर भी जीत पाई या नहीं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन लोकसभा की एक सीट जो कि पश्चिम बंगाल है, वो काफी बड़ी सीट बन चुकी है। महाराष्ट्र की एक जो विधानसभा सीट है वो काफी महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसके अलावा बात की जाए छत्तीसगढ़ की विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है उपचुनाव के लिए। और ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी को यहाँ पर करीब 2 से 3 सीटें मिल सकती है, जबकि कांग्रेस की बात की जाए तो 1 से 2 सीटें कांग्रेस के पक्ष में जा सकती हैं, 1 से 2 सीटें यहाँ पर टीएमसी को भी मिल सकती हैं, जो चुनाव की यहाँ पर चार राज्यों की विधानसभा चुनाव के लिए यहाँ पर जो जानकारी है, यानी चुनावी अनुमान के हिसाब से यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है जो उपचुनाव के लिए आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है चार राज्यों के उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी हो सकता है? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं और सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।